वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड, यानी कि अब हम इस पे पढ़ेंगे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड क्या होता है। अ वेजिटेरियन ईट्स फूड ओनली फ्रॉम प्लांट्स एंड ऑल्सो हैज़ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अब वेजिटेरियन क्या होता है, वो इंसान जो खाली हमें जो सब्जियां, फल जो हमें प्लांट से मिलती है वो खाता है, और वो चीज़ें खाता है जो हमें दूध से मिलती हैं, और मतलब दूध और दूध से बनी चीज़ें, जैसे कि दूध पीते हैं हम, दही खाते हैं और पनीर खाते हैं, तो वो क्या होता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। और जो खाना हमें सिर्फ प्लांट से मिलता है जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो तो वेजिटेरियन होते हैं। अ पर्सन हु ईट्स एग्स सी फूड एंड मीट इज़ अ नॉन वेजिटेरियन। अब वो एक इंसान जो अंडे खाता है, सी फूड यानी कि जो हमारा पानी से जैसे मछली वगैरह मिलती हैं वो खाता है, मीट खाता है यानी कि किसी दूसरे जानवर को, जैसे कोई दूसरा जानवर है चिकन हो गया तो हम उसमें क्या करते हैं, जो चिकन होता है उसको बना के खाते हैं, मीट होता है किसी दूसरे जानवर की फ्लैश को जो खाते हैं उसको हम नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। मील्स यानी कि जो हम खाना खाते हैं वो क्या है, अ मील इज़ द फूड वी ईट। मील वो होता है जो खाना हम खाते हैं, जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो वो हमारी मील्स होती हैं। वी यूजली ईट मील्स विद फैमिली और फ्रेंड। हम ज़्यादातर अपना जो खाना है अपने फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ खाते हैं। अगर आप स्कूल में होते हो, अगर आप इस टाइम स्कूल जाते हो तो आप लंच अपने फ्रेंड्स के साथ करते हो ना, और जब आप घर पे आते हो तो रात को आप डिनर अपने फैमिली के साथ करते हो। ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर आर द थ्री मेन मील्स। अब ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर हमारी तीन मेन मील्स होती हैं। वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अब हम सुबह में ब्रेकफास्ट खाते हैं यानी कि नाश्ता करते हैं, लंच इन द आफ्टरनून और लंच हम दोपहर को खाते हैं, एंड डिनर एट द नाइट और डिनर हम रात को खाते हैं। ब्रंच इज अ मील दैट वी ईट लेट इन द मॉर्निंग इन प्लेस ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच। अब कोई कुछ लोग होते हैं जो ब्रंच करते हैं यानी कि वो सुबह का ना नाश्ता करते हैं ना दोपहर का लंच करते हैं, उससे पहले बीच में वो खाना खाते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रंच, यानी कि उन्होंने ब्रेकफास्ट और लंच की जगह एक चीज़ खा ली, उसको हम बोलेंगे ब्रंच। नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर यानी कि पानी। आवर बॉडी नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। अब हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को बहुत सारा पानी चाहिए होता है। वाटर हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। वाटर हमारा खाना डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इट फ्लशेस वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी। वो हमारे शरीर में से वेस्ट निकालता है यानी कि जो भी चीज़ें हमारी शरीर को नहीं चाहिए उनको निकालता है। देयरफोर वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। इसलिए हमें दिन में कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी के पीने चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें, क्योंकि हेल्दी हम कैसे रहेंगे जब तक हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट होता है, जो भी ना ज़रूरतमंद की चीज़ होती है उसको निकालने के लिए।